राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, यहाँ पे वरिष्ठ हिंदी अधिकारी कार्यरत हूँ। भाषा अनुवाद ये हमारा क्षेत्र रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग काम करते ही हैं। तो अभिषेक ने अनुरोध किया कि सर ये कक्षा आपको लेनी है और भाषा विज्ञान से संबंधित है, तो मैं चूंकि पढ़ाने का मेरा शुरू से पैशन रहा है और मैं यह गोवा में भी अपने जो डिपार्टमेंट के काम हैं राजभाषा अधिकारी के, उन दायित्वों के अलावा अध्यापन का कार्य भी करता रहा हूँ, तो मैंने सहस्र जो है अपनी स्वीकृति दे दी और इसके लिए मैं अभिषेक और ओएसयू की पूरी टीम को का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये अवसर प्रदान किया। तो आज दोपहर का सत्र है, जैसा अभिषेक ने बताया था कि दोपहर के सत्र में थोड़ी सी उपस्थिति जो है थोड़ी कम होती है, तो अभी तक 12 छात्र हमारे साथ जुड़ पाए हैं और विषय भी ऐसा है भाषा विज्ञान, जो कि जब मैं पढ़ाता था तब से मैंने देखा है कि एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है और थोड़ा सा विषय ऐसा है कि जैसे उपन्यास, कहानी, साहित्य, कविता या जो अलग चीजें हैं साहित्य से जुड़ी हुई, उसमें से थोड़ी सी रुचि जो है छात्र इसमें कम लेते हैं, थोड़ा तकनीकी विषय। तो कोशिश करूंगा कि जो विषय आज मुझे दिया गया है उसको यथासंभव सरल तरीके से और यथासंभव ग्राह्य तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। और इससे पहले मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि मैं उड़िया भाषा भी समझ लेता हूं और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो अगर कोई आपको कोई प्रश्न हो और कोई शंका हो हिंदी में बोलने में या कोई कठिनाई आ रही हो तो आप मुझे अपना प्रश्न जो है जो प्रश्नोत्तर सत्र होगा उसमें आप उड़िया में या संबलपुरी में भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई उड़ीसा के बाहर का छात्र है, नॉन उड़िया है, और अगर अंग्रेजी में भी पूछना चाहे तो आप अपनी प्रश्न और शंकाएं जो है पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज का ये व्याख्यान शुरू करते हैं। आज मैं जो भी मेरा व्याख्यान है और जो भी मेरा आज का लेक्चर और जो विषय है उसको मैं एक पीपीटी के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि स्क्रीन के ऊपर पीपीटी चलती रहे और साथ में पैरेलली हमारा व्याख्यान चलता रहे। तो मित्रों, आज जो विषय था वो यहाँ पे भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, मैं इसको फुल स्क्रीन में डाल रहा हूं, एक बार फुल स्क्रीन आ जाए। MHD 7 के खंड 2 के तहत जो मास्टर ऑफ आर्ट्स या MA के जो छात्र हैं उसके तहत ही जो खंड 2 है उसमें इकाई 8 ध्वनि संरचना और इकाई 9 रूप शब्द और पद, इसमें से आज हम ध्वनि संरचना यानी हिंदी की ध्वनि संरचना और हिंदी का रूप विज्ञान या रूप उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये चार विषय हमने लिए हैं, हिंदी की ध्वनि संरचना, रूप विज्ञान, शब्द और पद, हिंदी की वाक्य संरचना और अंत में अर्थ संरचना और प्रोक्ति विश्लेषण। तो तकनीकी विषय है और बड़ा ही विस्तृत विषय है, तो इसको एक आध कक्षा में समाप्त करना इतना आसान नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि इनमें से जो उपशीर्षक हैं हिंदी की ध्वनि संरचना और रूप विज्ञान उसमें से जो खास खास बातें हैं जो कि आपको मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है उन सबको मैंने समेटने का प्रयास किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हिंदी की ध्वनि संरचना। तो छात्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कोई भी भाषा उसका जो सबसे लघुतम जो रूप होता है उसे हम लिखित रूप में वर्ण कहते हैं और उच्चारित रूप में हम उसे ध्वनि कहते हैं। जो वर्ण होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसा अगर एक हम मकान बनाए तो मकान में दीवार होती है, छत होती है, लेकिन उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो ईंट होती है। तो ईंट ईंट को लेकर के जिस प्रकार एक मकान का निर्माण होता है उसी प्रकार वर्ण या ध्वनि को लेकर के भाषा का निर्माण होता है, और ये सबसे लघुतम इकाई है और सबसे छोटी इकाई है और इसका बेसिकली हम लोग जो खंड या इसको टुकड़े या विभाजित हम नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में अ, ई, ख, ग, र ये सभी वर्ण हैं और इनके खंड नहीं किए जा सकते। एक यहाँ पे उदाहरण
से अगर और स्पष्ट करूं कि अगर हम एक छोटा सा वाक्य कहें राम गया, तो राम गया को अगर हम विखंडित करें, इसको हम तोड़ें, तो हमको कौन सी ध्वनियां मिलेंगी? यहां आप देख सकते हैं, र जोड़ आ, म जोड़ अ तो बना राम, घ जोड़ अ और य जोड़ आ तो बना गया। तो इस प्रकार राम गया ये पूरा वाक्य एक दो तीन चार और एक दो तीन चार आठ मूल ध्वनियों को मिला करके वाक्य बना है। तो वर्ण और ध्वनि शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, पद से पदबंध बनते हैं और फिर उसके बाद वाक्य की इकाई आती है। फिर सबसे छोटी इकाई है जिसे हम वर्ण कहते हैं, और जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारित रूप में हम इसे ध्वनि कहते हैं और इसी से भाषा का निर्माण होता है। और वर्णों के जो समूह होता है उसको इंग्लिश में अल्फाबेट और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलें। अभी हिंदी की वर्णमाला है। अब आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन एक वीडियो भी आया था व्हाट्सएप में कि भारत में पूछा जा रहा है बहुत से लोगों से कि हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 90% लोग बता नहीं पाए। बड़ा सरल सा शब्द प्रश्न था। तो ये जो हिंदी की वर्णमाला है ये सामान्य रूप में इसे स्वीकार किया गया, इसमें थोड़ा सा मतलब विविधता आती है। कुछ लोग इसमें जो संयुक्त अक्षर है और जो आगत ध्वनियां हैं उनको शामिल करने ना करने, इसमें जो है थोड़ी सी बहस होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो मानक वर्णमाला है, ये वर्णमाला आपके सामने है। इसमें यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर स्वर है और यहाँ पे ये व्यंजन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला देख रहे हैं, इसको जैसे जैसे हम आगे देखेंगे तो इसको आज वर्ल्ड के बड़े बड़े जो भाषा विज्ञानी हैं, जो लिंग्विस्ट हैं, वो भी आज मान रहे हैं कि ये जो देवनागरी लिपि की वर्णमाला है, ये जो ध्वनि व्यवस्था है, ये वर्णों का जो क्रम है, ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है और बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर इसका निर्माण किया गया। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, आगे चलते हैं। स्वर क्या है? स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। इस अंग्रेजी की भी वर्णमाला, इसको हम अल्फाबेट कहते हैं, तो उसमें भी हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वावेल्स, वावेल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन कहा जाता है। तो स्वर क्या है? स्वर वस्तुतः वह ध्वनियां है जिनके उच्चारण में वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। कि जब आप उच्चारण करते हैं तो आप इसको जो आप नोट कर रहे हैं या फिर मैं आपको जब ये प्रेजेंटेशन दूंगा तो आप खुद इसको करके देखिएगा, प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा, तो आपको इसका, इसकी जो विशेषताएं हैं सारी आपको मालूम चलेंगी। तो स्वर में क्या है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ, औ, स्टिल आई एम कनेक्टेड, इट इज शोइंग दैट यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग। क्या आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है और प्रेजेंटेशन भी। अच्छा, इसमें किसी ने प्रेजेंटेशन ये किया था तो जैसा अनुरोध किया अभिषेक ने, कोशिश करें कि आप लोग बीच में प्रेजेंटेशन अपना स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अ, आ, छोटी, बड़ी, ये जितनी स्वर की ध्वनियां हैं, इनका जब उच्चारण होता है तो इसमें किसी प्रकार की अवरोध या किसी प्रकार की बाधा जो है हमारे मुख में नहीं होती है। जबकि व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीव अथवा निचला जो होठ है, जो मुख गहवर जिसे हम कहते हैं माउथ कैविटी, इसके किसी ना किसी भाग के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध होता है और उसमें थोड़ा सा संघर्ष के बाद जो है ये ध्वनियां बाहर आती है। तो आप बोल कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई अवरोध नहीं है स्वरों में, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में ये थोड़ा संघर्ष करके और वायु का मार्ग अवरुद्ध होता है और अवरुद्ध होकर फिर ये ध्वनियां बाहर। अब हम हिंदी स्वरों, स्वर जो ध्वनियां हैं उनका अगर हम वर्गीकरण देखें तो कैसे, पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो है जीभ के कौन से भाग उच्चारण में भाग ले रहा है, यानी
जीव के किस भाग के द्वारा उन वर्णों का उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर इसके तीन भेद किए गए। पहला क्या है? अग्रस्वर, दूसरा है मध्यस्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो बड़ी ई, यहाँ पे ये गलत दिया है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ए, अ, मध्यस्वर और ये छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ, ये जो है पश्च स्वर। यानी ये जीव के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं, अ जीव के मध्यभाग से उच्चारित होता है और ये जो वर्ण है, ये जो स्वर है, ये जीव के पश्चभाग से उच्चारित होते हैं। तो ये पहला आधार है, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है। दूसरा आधार ये है कि मुंह किस मात्रा में खुलता और बंद होता है। तो हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुंह है वो खुलता है जो वायु की मात्रा के आधार पर, कि कितनी वायु की मात्रा बाहर जाती है उसके आधार पर मुंह खुलता है। तो उसके आधार पर क, ख, ग, घ, यानी चार वर्गीकरण किए गए। पहला कौन सा है? समृद्ध, दूसरा विवृत, तीसरा अर्ध समृद्ध और चौथा अर्ध विवृत। तो समृद्ध क्या है? समृद्ध में क्या होता है? मुंह प्राय बंद या बहुत कम खुलता है। तो इसमें ई, ई, ऊ, ऊ, तो इसमें आप देखेंगे कि मुंह बहुत कम खुलता है और ये वर्ण उच्चारित होते हैं। विवृत में क्या होता है कि इसमें सबसे अधिक मुंह खुलता है, जैसा आ, आप बोल के देखेंगे तो जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह सर्वाधिक खुलता है। उसके बाद अर्ध समृद्ध की जो स्थिति है, इस समृद्ध की स्थिति की तुलना में अधिक खुलता हो, यानी समृद्ध में तो क्या होता है, मुंह बहुत कम खुलता है या लगभग बंद रहता है। अर्ध समृद्ध में ये समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ, ए, ओ। जब हम समृद्ध कहते हैं ई, ई, ऊ, ऊ, तो देखिए मुंह बिल्कुल कम खुल रहा है। जब अर्ध समृद्ध ए, ओ कह रहे हैं तो इनके मुकाबले मुंह अधिक खुलता है, लेकिन आ की तरह नहीं खुलता क्योंकि आ में बहुत ज्यादा मुंह खुलता है। अब चौथा जो है अर्ध विवृत, इस विवृत की स्थिति की तुलना में कम खुलता हो। विवृत में क्या होता है? सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, ऐसा आ। अर्ध विवृत में क्या होता है? उसके तुलना में कम खुलता है, जैसे ए, सॉरी, ए, औ, ए, औ। तो कैमरा अगर मेरे मुंह को दिखा रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं ए और ओ बोलता हूं तो इसकी तुलना में मुंह कम खुलता है, जब हम आ बोलते हैं तो मुंह ज्यादा खुलता है। तो ये दूसरा आधार हो गया। इसलिए तीसरा, थोड़ा सा हैंग होता है ये स्क्रीन, तीसरा जो आधार है वो है ओष्ट, यानी ओंठों की गोलाकार या अगोलाकार स्थिति के आधार पर। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आप देख पाएंगे कि स्वरों के उच्चारण के समय ये हमारा जो होंठ है उनकी स्थिति या तो वृत्ताकार होती है या अवृत्ताकार होती है, यानी गोल होती है या गोल नहीं होती है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार, और जिनके उच्चारण में हमारा ओंठ चपटी स्थिति में रहता है उसे अवृत्ताकार। खुद बोल के देख लीजिए, उ, उ, ओ, औ, आ, अ, आ, ई, ई, ए, आई, आए, अवृत। तो ये स्थिति है और यहाँ पे इस टेबल में बता दिया गया है अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत, इसका वर्गीकरण इस टेबल में कर दिया गया। जैसे बड़ी ई है तो समृद्ध है, अग्रस्वर है, और वैसे ही मध्यस्वर में ई, ई, ए, ए, समृद्ध, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत और मध्यस्वर में आता है, और पश्चस्वर में ये सारे आते हैं, ठीक है, ऊ, ऊ, ओ, आ, आ। तो तीन आधार मैंने बताए आपको, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है, फिर मुंह किस मात्रा में खुलता है या बंद रहता है, या तीसरा जो है होंठों की स्थिति। तो इस तीनों आधार पे हम देखेंगे
की स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। ये एक टेबल मैंने और लगाई है आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे पूरा आपका क्लियर हो जाता है कि जो हमारे पास टोटल 52 वर्ण है, ठीक है, 13 स्वर और 35 व्यंजन, इसको याद रखिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्वर हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट और वावल मिला के कितने हैं, 50 है, 52 है, 53 है, ठीक है। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर 35 व्यंजन, लेकिन जब लिखते हैं तो 52 वर्णों का प्रयोग होता है और इसे ही स्टैंडर्ड या मानक माना गया है, ठीक है। तो 13 स्वर है और 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे स्वरों को दिखाया गया है, ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बाई तरफ, और इनका उच्चारण स्थान यहाँ है, जैसे अ उच्चारण स्थान कंठ है, उच्चारण काल की दृष्टि में अ हस्व में आता है, हस्व स्वर है, जीवा की सक्रियता की स्थिति से ये मध्य में आता है, और मुख विवर खुलने की स्थिति में ये अर्ध समृत में आता है, और होठों की आकृति की स्थिति में ये अवृत्ताकार वर्ण है। तो इस वर्ण की जो पूरी कुंडली है ये यहाँ पे आ गई, उसका आ का आ गया, आ का आ गया, ई का आ गया, तो ये पूरा इस टेबल में दिया गया। इसका आप ये जान सकते हैं कि ये जो स्वर है ये किस वर्ग के तहत, किस श्रेणी के तहत आ। आगे चलते हैं, अब हम आएंगे व्यंजनों की ओर। तो व्यंजन से आप क्या समझते हैं, खाने पकाने के व्यंजन, वो व्यंजन अलग है। यहाँ पे हम हिंदी व्यंजनों की बात कर रहे हैं, और जैसा मैंने आपको पिछले टेबल में बताया तो हमारे पास कितने 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन भी इसमें आ जाते हैं, तो लगभग 39 हमारे पास व्यंजन है। तो ये देखिए इनका जो वर्गीकरण है, इसका पहला आधार क्या है, हिंदी व्यंजनों का स्थान के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि ये कहाँ से उच्चारित होते, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो मैंने अगली स्लाइड में आपको दिखाया है, ये देखिए मैंने दिखाया है कि जब यहाँ होठ से लेके, यहाँ आप देख रहे हैं कि मनुष्य का होठ है, ओष्ठ है, और यहाँ पे इसका नाक है, इसको नासिका कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर जीवा आ जाती है, जीव, और यहाँ पे इसका पूरा तालू आ जाता है, और अंत में मूर्धा आ जाती है, और यहाँ नीचे इसका कंठ आ जाता है। तो ये पूरा जो है उच्चारण अवयव है, इसको हम माउथ कैविटी कहते हैं, ठीक है, जहां से हम अपनी भाषा का उच्चारण करते हैं। तो ये सारे अंग जो हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये उच्चारण में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो कितना, देखो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, कितना सुंदर वर्गीकरण किया गया, ये चीज आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी, बल्कि जो लिंग्विस्ट हैं, जो भाषा वैज्ञानिक के हुए हैं, वो तो कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो ध्वनि व्यवस्था है, ये तो विश्व के किसी भाषा या लिपि में नहीं है, जितनी वैज्ञानिक तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने किया है। तो ये देखिए कंठ या कोमल तालव्य, हम लोग अंदर शुरू करते हैं, ठीक है, ये कंठ है ना, जहां मैंने यहाँ पे दिखाया कंठ या कोमल तालव्य। कोमल तालव्य क्या है, अगर आप अपने जीव से अपने तालू का पिछला भाग स्पर्श करें तो आपको दिखाई देगा कि अंत में, तालू के अंत में एक ऐसा भाग आता है जो बहुत कोमल होता है, एक झिल्ली सा ही फील होता है, उसको हम कोमल तालव्य कहते हैं। तो कंठ और कंठ के बाद कोमल तालव्य। तो यहां से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, क त ग ग व, उसके बाद तालव्य भी आ जाते हैं जो तालु से उच्चारित होते हैं, च छ ज ज ञ, फिर मूर्धा से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वो मूर्धन्य है, ट ठ ड ड ण, और ये जो अयोगवाह का, ये सॉरी उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त वर्ण जो कहा गया अड अढ़ और श, ये भी मूर्धा से उच्चारित होते हैं, अड़ अढ़ और श। फिर दंत्य त थ द ध न, दांतों से उनका उच्चारण होता है, वर्ष दांतों से पिछला वाला भाग, स ज र ल, वर्ष समझते हैं ना, अगर आपको वर्ष कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है या मूर्धा कौन सा पार्ट है समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन वर्णों का उच्चारण कीजिए। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जीव, यानी आपकी जो जीव है वो जिस पार्ट को टच करेगी तो आप समझ लेना कि वो यही है। तो वर्ष में आप जब बोलते हैं श ज र ल, तो दांतों का ठीक पीछे वाला जो भाग है वो वर्ष कहलाता है, ये वर्ण वहां से उच्चारित होते हैं। और उसके बाद ओष्ठ, जो होठों से प फ व भ म, और दंतोष्ठ्य व और फ,
ठीक है, ये जो वह है ये उड़िया में तो नहीं है, उड़िया में तो हम सिर्फ वह बोलते हैं, ठीक है वह बोलते हैं, और ये हिंदी में वह है, वह दंतोष्टी यानी दांत और होंठों की सहायता से। और अंत में आता है स्वरयंत्रीय, कौन सा ह, ह स्वरयंत्रीय यानी पूरा यहाँ पे हमारे जो वोकल कोड है यहाँ से ये उच्चारित होता है ह। जैसा आपने शायद सुना भी होगा कि जैसे ईरानी भाषाएं हैं ये उसमें ह का उच्चारण लोग कर नहीं पाते, वो एक बड़ा पॉपुलर सा कंसेप्ट है ना, सुना होगा कि वो हिंदू नहीं, वो हिंदू नाम कैसे पढ़ा स नहीं कह पाते, सॉरी वो लोग स नहीं कह पाते, स को ह कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंधु नदी के लिए उन्होंने हिंदू का प्रयोग किया और फिर बाद में उससे हिंदू शब्द बन गया। तो ये जो ह है ये स्वरयंत्रीय वर्ण है, बहुत सारी भाषाओं में ह नहीं है, बहुत सारी भाषाओं में स नहीं है। आगे चलते हैं, ये वही एक टेबल के माध्यम से मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण दिखाया, कंठ्य मूर्धन्य वर्ष्य तालव्य दंत्य ओष्ठ्य दंतोष्ठ्य, ठीक है। तो ये जो 39 हमारे व्यंजन हैं ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपने देख लिया, समझ लिया, यहाँ से आगे चलो। मैंने थोड़ा सा इसमें आपको ये दिखाने के लिए मैंने ये स्लाइड लगाई कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए और थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए, कौन सा है, जब आप गले को छुएंगे, गले को स्पर्श करेंगे तो गले में ये जो थोड़ा सा हार्ड जो भाग दिखाई देता है उभरा हुआ रहता है ना, इसे हम कंठ कहते हैं। जो वोकल कोड होती है, ठीक है, जो इसको हम ध्वनि पेटी का कहते हैं, ये यहां पे अवस्थित होती है और यहीं से हवा जब गुजरती है तो यहाँ पे स्वरयंत्रियों में यानी वोकल कोर्ड्स में कंपन होता है और कंपन के कारण जो है ध्वनि उच्चारित होती है। अगर आप जब बात करेंगे तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पे अगर हाथ रखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपन अनुभव करेंगे, कंपन होता है तभी ध्वनि उच्चारित होती है। तो ये कंठ है, अ आ अह क वर्ग के सारे वर्ण और ह ये कंठ है, ए ऐ ये कंठ और तालु के प्रयोग से उच्चारित होता है, ए और ऐ, तालु में ई ई च वर्ग के सारे वर्ण जिसको तालव भी कहा गया है, य और श भी इसमें आता है, श के मूर्धा में री ट वर्ग के सारे वर्ण और मूर्धन्य श, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं ना, और फिर नासिका यानी नाक का प्रयोग होता है, अं व न्य अण न म यानी सारे जितने 5 वर्ग हैं क वर्ग च वर्ग उसके जो अंतिम वर्ण है उनको नासिक नासिक के वर्ण कहा जाता है, उसको यहाँ रखा गया है। इनका उच्चारण नाक के सहारे होता है यानी हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। फिर दंतमूल, दंतमूल में र और ल आ गया, फिर दंत्य जिसे दांतों के सहारे जिनका उच्चारण होता है, त वर्ग और स वर्ग, त वर्ग के सारे वर्ण और स, त वर्ग और स, फिर दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ में व आ गया, ओष्ठ में उ बड़ा उ प वर्ग आ गया, प प ब भ म बिना होठों के इसका उच्चारण नहीं कर सकते, और ओष्ठ और कंठ इसमें ओ औ आ, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये छवि है, इसके माध्यम से आप थोड़ा और स्पष्ट समझ सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कैसा है और उसी के आधार पर इनका नामकरण क्या है। अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर का तो आपने देखा कि 3 आधार थे, ठीक है, 3 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके भी अलग अलग आधार है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। पढ़ तो आप लेंगे बाद में, किताब से पढ़ लेंगे, स्लाइड से पढ़ लेंगे, समझना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है वो है अवरोध की प्रकृति के आधार पर, अवरोध यानी रुकावट, हवा जब निकलती है मुंह से तो अवरोध जब आता है, अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट आती है, तो उसके आधार पर इसके 3 इसके भेद किए गए। पहला है स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी और तीसरा है स्पर्श संघर्षी। तो क्या है स्पर्शी, जब उच्चारण अवयव
उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है तो व्यंजन उच्चारित होते हैं, ये व्यंजन उच्चारित होते हैं, इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पहले चार व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार के लिए आपका जो मुख है वो हवा को रोकता है, हवा के मार्ग को अवरुद्ध करता है और उसके बाद वो छोड़ता है, ठीक है। तो हमारा ऊपर का तालू या जीभ उससे वो स्पर्श करके हवा बाहर आती है, ध्वनि बाहर आती है, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा गया। आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए, क क ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प प व भ, ये सारे स्पर्शी व्यंजन है। जबकि संघर्षी में क्या होता है, अगला जो संघर्षी है, उच्चारण अवयव इतना ऊपर नहीं उठते कि वे उच्चारण स्थान को स्पर्श कर सके। इसमें क्या होता है, जीभ आपके ऊपर तालू को छूती नहीं है बल्कि इतनी नजदीक आ जाती है कि दोनों के बीच में स्थान बहुत कम बचता है और कम स्थान बचने के कारण ये जो वर्ण है, ये जो व्यंजन है, ये घर्षण करते हुए निकलते हैं, रगड़ते हुए बाहर आते हैं, इसलिए इनको संघर्षी स्ट्रगल करके बाहर आते हैं ना, इसलिए वो संघर्षी व्यंजन कहा गया। जैसे श श श ह तथा आगत व्यंजन ख ग ज फ, ये सारे संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। ज बोलते देखिए आप पाएंगे कि किस तरह से आवाज जो है संघर्ष करते हुए बाहर आती है। तो दोनों में क्या होता है, इसमें मुख गवर में जीव और तालू की स्थिति एकदम कठिन हो जाती है, हवा संघर्ष करते हुए बाहर आती है। और तीसरा जो है स्पर्श संघर्षी, इसमें क्या होता है, उच्चारण में स्पर्श, इनके उच्चारण में स्पर्श तथा घर्षण दोनों प्रयत्न होते हैं। स्पर्श भी होता है यानी अवयव स्पर्श भी होते हैं और घर्षण भी होता है, दोनों चीजें घटित होती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा गया है। उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करने के बाद इतने निकट रह जाते हैं कि वायु घर्षण करती हुई बाहर आती है। एक बार तो वो टच करेंगे जो उच्चारण अवयव है उच्चारण करने के बाद, और फिर ज्यादा दूर जाते नहीं है बल्कि इतने नजदीक रह जाते हैं कि घर्षण करते हुए वायु बाहर आती है, इसलिए इनको स्पर्श और संघर्षी। स्पर्श हुआ फिर घर्षण करते हुए हवा बाहर आती है, इसलिए संघर्षी कहा गया। अब इसको देखिए कौन से आते हैं, च वर्ग के सभी व्यंजन इसमें आते हैं, च छ ज झ ञ, बोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बार अवयव टकराते हैं और बाद में हवा संघर्ष बाहर आती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा गया। तो अच्छा लग रहा ना, ये सब चीजें आपने टेक्निकली कभी देखी नहीं होगी या इतने गहराई से आपने इसका जो विश्लेषण किया नहीं होगा, ठीक है। बल्कि मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोक के मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। कौन बात कर रहे हैं आप, नाम बताएंगे? आपका आवाज आ रहा है सर, सुमिता महाराणा। हाँ सुमिता, ठीक है। आप लोग को ठीक लग रहा है ना, आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। सर सर क्लियर है, बोल सकते हैं, कोई समस्या हो तो बीच में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, हाँ नहीं 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 बिल्कुल सब ठीक आ रहा है। अभिषेक तुम भी लाइन पे हो क्या? जी सर मैं भी लाइन पे हूँ। जो ग्रियर्सन का नाम आपने सुना होगा, तो ग्रियर्सन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमारी जो वर्णमाला है वो फोनेटिक है यानी ध्वनि पर आधारित है, ठीक है। और फोनेटिक इसलिए कहा गया है कि इसमें फोनेटिक्स का इतना ज्यादा ध्यान रखा गया है जो कि शायद विश्व की किसी लिपि में हो सकता है मगर उनकी जानकारी में नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद विश्व में किसी और लिपि में या वर्णों में इसका, उन्होंने इसको इसका प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या कहा, जो देवनागरी के जो अक्षर हैं जो वर्ण हैं उनके आकार के लकड़ी के सांचे बनाए, लकड़ी के, जैसे क है तो क के आकार का एक सांचा बनाया, च है तो च के आकार का। और उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रहेगा कि जब उसमें से हवा गुजरती है उन लकड़ी के सांचों से तो उसमें से
जिस वर्ण से हवा गुजरती है उस वर्ण की ध्वनि वहां पे सुनाई देती है। इतने ज्यादा वो फोनेटिक्स पाए गए तो उन्होंने सोचा कि जो हजारों साल पहले जो हमारे एक तरह से जो पूर्वज कहते हैं ऋषियों जिन्होंने इसका विकास किया, उन्होंने कितनी साइंटिफिकली और वैज्ञानिक तरीके से इसका विकास किया और इसको जो श्रेणीबद्ध किया गया जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो आप श्रेणियां देख रहे हो वो कैसे पहले कंठे रखे गए, फिर मुर्दा तालव्य रखे गए, फिर मुर्दा रखे गए, फिर दंते, फिर वर्ष, फिर होस्ट, तो एकदम वैज्ञानिक आधार पर इनका परीक्षण भी किया गया। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये पहला जो आधार हो गया हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर परिग्रहण हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी व्यंजनों का परिग्रहण का एक और आधार है, इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ में क्या होता है, व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य में होने के कारण इनका नाम अंतस्थ रखा गया है। क्लियर करूं आपको, हाँ ये बीच में आ गया अंतस्थ, फिर मैं क्लियर करता हूं अंतस्थ की स्थिति क्या है। व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य में स्थित होने के कारण का नाम अंतस्थ रखा गया। परंपरा से य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा गया। तो अभी तक हमारे सामने स्पष्ट है कि कौन से वर्ण स्वर है और कौन से वर्ण व्यंजन है, ठीक है। अब ये जो य र ल व है तो आप कहेंगे कि सर ये तो व्यंजन है, लेकिन व्यंजन तो माना गया है, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि इनको स्वर और अंतस्थ, स्वर और व्यंजन के बीच में माना जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु का अवरोध जो है बहुत कम होता है। व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, वायु का अवरोध होता है, जबकि वायु का अवरोध नहीं होता है। तो इसमें वायु का अवरोध बहुत कम होता है, इसीलिए कई विद्वानों ने अंतस्थ व्यंजनों का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से उन्होंने किया है। इसका भी विभाजन किया गया है पार्श्विक, प्रकंपित और अर्धस्वर। पार्श्विक का अर्थ है बगल का, साइड का, जिस ध्वनि का उच्चारण में जीवा श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और वायु उसके अलग अगल बगल से निकल जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, इसमें क्या होता है, जीव जो है, जीवा जो है तन करके खड़ी हो जाती है और हवा को सामने से अवरुद्ध कर देती है और हवा साइड से पार्श्व से निकलती है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक व्यंजन रखा गया है। तो इसमें कौन सा व्यंजन आता है, ल, हिंदी का ल। और प्रकंपित में क्या हुआ, इसमें कांपता हुआ, प्रकंपित यानी कांपता हुआ, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है उसे प्रकंपित कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीवा का जो अग्रभाग होता है, नोक होता है, वो वायु से रगड़ खाके यानी संघर्ष करने के कारण कांपती रहती है, कंपन होता है, उसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ये र है, र जब आप र बोल के देखेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से जीव जो है उसका अगला हिस्सा प्रकंपित होता है। और तीसरा है अर्धस्वर। संस्कृत में य और व ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न पूर्ण रूपेण व्यंजन। इनके उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न न के बराबर होता है, अतः ये ध्वनियां लगभग अवरोध रहित निकल जाती है। तो ये दो ध्वनियां ऐसी देखी गई, कौन कौन सी, य और व। इसमें क्या होता है, जो अवरोध होता है व्यंजनों में वो न के बराबर है, ठीक है। तो ये अवरोध बहुत कम होने के कारण या न के बराबर होने के कारण ये बिना अवरोध के ध्वनियां बाहर आ जाती हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा गया। पूर्ण रूप से तो स्वर नहीं है लेकिन अर्धस्वर इनको कहा गया। तो ये जो अंतस्थ है, ये अंतस्थ की स्थिति मैंने आपके सामने रखी, य र ल व, ये चार अंतस्थ वर्ण, उनमें से ल पार्श्विक है, र प्रकंपित है और य और व जो है अर्धस्वर है। और टिप्पणी आती है आपको कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब एक और जिसे हम कहते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त क्यों कहते हैं, संस्कृत में उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब क्या हुआ कि जीभ का जो अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श तो करता है, स्पर्श करके झटके से वापस आ जाता है,
इसलिए इनको शिफ्ट व्यंजन कहा जाता है। ड ये ड और ध नहीं है, इसके नीचे बिंदी लगी है, बिंदी लगी होने के कारण इसका उच्चारण कैसा होता है, ड ड ड, और ये उच्चिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। अगला जो वर्गीकरण है, ये दो चीजें मैंने आपको बीच में बता दी, अंतस्थ और उच्चिप्त का। अब मैं अगला जो आधार है व्यंजनों के वर्गीकरण का, वो है स्वर तंत्र में कंपन। ठीक है, स्वर तंत्र में कंपन, जैसा पहले मैंने बताया जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, तो वो स्वर तंत्रियों में कंपन कितना है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो पहला है सघोष और दूसरा है अघोष। सघोष में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा पैदा होता है, ठीक है, वाइब्रेशन इज मोर, वाइब्रेशन ज्यादा है, तब हम उसको सघोष कहते हैं। इसका भी देखो वर्गीकरण कितना सुंदर रखा गया, कौन कौन से वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें, यानी क वर्ग का थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर, ड घ व, ज ज ञ, ड ढ न, द ध न, ब भ म। आपकी क्लास के बाद आप इसको प्रैक्टिकल में देखिए तो कंपन कितना है, और जो पहला और दूसरा व्यंजन है जैसे क ख च छ ट ठ थ थ प ह, तो आप पाएंगे स्पष्ट रूप से कि जब आप बोलते हैं क ख तो कंपन कम है, वाइब्रेशन इज लेस। जब आप बोलते हैं ग घ व तो वाइब्रेशन इज मोर। जब आप बोलते हैं च छ कंपन कम है, जब आप बोलते हैं ज झ ञ तो कंपन कम। तो स्पष्ट हो गया ये सघोष ध्वनियां है, ये अघोष ध्वनियां है, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर इनका वर्गीकरण। अगला जो है वो है श्वास की मात्रा, यानी हवा कितनी मात्रा में बाहर आती है, श्वास कितनी मात्रा में बाहर आता है, तो उसके बड़े सरल से वर्गीकरण है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण यानी जिसमें श्वास या वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन ध्वनियों में उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण में कौन से आ गए, वर्णों के प्रथम तृतीय और पंचम, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। देखो क ग व च ज ञ ट ड ण त द न प व म, पहला तीसरा और पांचवा ये हो गए अल्प प्राण। और जब महाप्राण आप बोल के देखो, खुद बोल के देखो, क बोल रहे हो हवा कम निकल रही, ख ज्यादा निकल रही, ग कम घ ज्यादा, च कम छ ज्यादा, ज कम झ ज्यादा, ट कम ठ ज्यादा। तो ये दूसरा और चौथा वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो है इसमें प्राण ज्यादा निकलते हैं, वायु ज्यादा निकलती है, श्वास ज्यादा बाहर आती है, तो इसे महाप्राण वर्ण कहा गया है। और न म ल ध्वनियों को भी इसमें महाप्राण में ही रखा गया है, उनके उच्चारण में भी वायु अधिक मात्रा में बाहर। अब हम ये जो वर्गीकरण है इसको टेबल में दिखा दिया गया ताकि ये और स्पष्ट हो जाए, आपको और समझ में आए। स्थान इज स्वर है कंठ, अ आ उच्चारण स्थान कंठ है, ई उच्चारण स्थान तालु है, री का उच्चारण स्थान मृधा है, इनका ओष्ठ है। तो स्वर का तो खैर हो गया, बताया था आपको टेबल में। अब ये व्यंजन अगर आप देखेंगे तो ये कंठ से इनका उच्चारण होता है, इनका तालु से होता है, ये कवर का मृधा से होता है, और ये अंतस्थ में यह आ गए, उष्म में यह आ गए, और ये वर्णों का प्रकार ये इसमें आ गया उच्चारण स्थान के स्थान पर आधार पर। कंठ है ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, ये ओष्ठ है, नासिक है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ है, और ये अंतोष्ठ। तो ये टेबल आप देखेंगे तो और भी आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। मैं आऊंगा हिंदी की आगत ध्वनियां, जो आपकी किताब है जो आपको दी गई है टेक्स्ट बुक, उसको भी बेस बना के उसी के आधार पे मैंने ज्यादातर जो ऐसी चीजें हैं
जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और जिनको स्पष्ट करना ज्यादा जरूरी है उसको मैंने लिया है। तो आगत ध्वनियां क्या है? आगत ध्वनियां देखिए हिंदी में हिंदी भाषा के ऊपर बहुत सारी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं के शब्द आ गए और इनके साथ इन भाषाओं के साथ कुछ ऐसी ध्वनियां आ गई हैं जो पहले हिंदी में नहीं थी, ठीक है। अब उन ध्वनियों के कारण जो है अलग से कुछ चिन्ह भी बना लिए गए, जैसे आपने देखा होगा ये आ, ये चिन्ह है, ये ए के ऊपर जो लगा है अर्धचंद्र, इसका प्रयोग बहुत कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, बट ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, इसको हम आगत ध्वनि बोलते हैं। आप इसको देखा होगा डॉक्टर के ऊपर, कॉलेज के ऊपर ये लगता है, तो इसका उच्चारण, इसका जो साउंड है वो साउंड क्या है, जैसे ये आ और ओ के बीच का साउंड है, आ और ओ, ठीक है। तो आप बोल के देखिए, जैसे हमको बोलना है कॉलेज, जब आप कॉलेज बोलते हैं तो ना तो कॉलेज बोलते हैं और ना कॉलेज बोलते हैं, तो कॉलेज भी गलत है, कॉलेज भी गलत है, उसका सही उच्चारण क्या है? कॉलेज, कॉलेज, तो ये कॉ, कॉ। वैसे डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर। काफी नहीं बोलते, कॉफी नहीं बोलते, कॉफी, टॉफी, शॉप, वॉल, ठीक है। तो ये इंग्लिश से आई है ये ध्वनि, अंग्रेजी से आई है, इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यदि भी मानक वर्तनी में ये दोनों मानक वर्तनी में इनको लिया नहीं गया, बट प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द बहुत ज्यादा आ गए, तो उनको स्पष्ट रूप से उनको लिखने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। मराठी में तो इसका प्रयोग, जो हम लोग मराठी में आप देखेंगे तो जैसे हम बैंक लिखते हैं तो ये बैंक के ऊपर भी ये लगाते हैं, हम लोग दो मात्राएं लगाते हैं, आई की मात्रा लगाते हैं बैंक, तो ये सीधा अर्धचंद्र लगाते हैं, जबकि हिंदी में इसका प्रयोग अलग है। हिंदी में जो प्रयोग है मैंने आपको बताई दिया कि क्या कहां इसका उच्चारण होता है, आ और ओ के बीच वाली ध्वनि, तो ये एक आगत ध्वनि है। और अगली जो आगत ध्वनि है ये एक बिंदी लगाना, जिसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वर्णों में नुक्ता लगता है, ये नुक्ता क्या है? ये नुक्ता से जो है ये जो वर्ण है इनका उच्चारण बदल जाता है, ये खास करके फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में इसका ये ध्वनियां पाई जाती हैं, और ये ध्वनियां अब हिंदी में सम्मिलित हो गई, और मूल ध्वनियों से इनकी स्थिति को अलग दिखाने के लिए इनके आगे नुक्ता, इनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सजा, इसका उच्चारण कैसा होगा? सजा, सजा, सजाना, ठीक है, डेकोरेट करना, जबकि ये क्या? सजा, सजा, ठीक है, जा, जा। वैसे जरा, जरा, फन, फन, फन यानी सांप का फन, यह फन, जबकि यहां आप कहेंगे हुनर के लिए जो फन का प्रयोग होता है कैसे उच्चारित होगा? फन, फन, ठीक है। बाघ, वाघ, ताक, ताक, ठीक है। तो स्ट्रेस कम हो जाता है, हवा ज्यादा बाहर आती है, और खास करके क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे नुक्ता लगता है, तो कैसे उच्चार करेंगे? नुक्ता नहीं लगा तो क, नुक्ता लगा क, नुक्ता नहीं लगा तो ख, नुक्ता, नुक्ता लगा तो ख, नुक्ता नहीं लगा तो ग, नुक्ता लगा तो ग, नुक्ता नहीं लगा तो ज, नुक्ता नहीं लगा तो ज, नुक्ता नहीं लगा तो फ, नुक्ता लगा तो फ, ठीक है। तो ये भी फारसी से आई हुई आगत ध्वनिया है, इनको स्पष्ट करने के लिए इसके नुक्ता लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है। अब अगला जो है वो है शब्दों का उच्चारण करने, बल या बलाघात, बल या बलाघात, इसके ऊपर भी टिप्पणी आपको लिखनी पड़ सकती है। शब्दों का उच्चारण करते समय भाषा भाषी शब्द में आने वाले विभिन्न अक्षरों पर समान बल देकर नहीं बोलते, किसी अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है तो किसी पर कम। उच्चारण में इसी बल को, इसी आघात को बलाघात या स्ट्रेस कहा जाता है, तथा लिखित भाषा में अक्षर के ऊपर एक जो स्लैश का जो चिन्ह है ना, आड़ी रेखा जो है स्लैश का चिन्ह से उसको दिखाया जाता है। स्ट्रेस यानी जब हम उच्चारित करते हैं किसी वर्ण को तो उसमें क्या होता है, किसी एक ध्वनि के ऊपर स्ट्रेस, दबाव ज्यादा होता है, जबकि उसके आगे या पीछे वाले ध्वनि के ऊपर दबाव ज्यादा नहीं होता। तो उसको अगर एक स्लैश के द्वारा
दिखा दिया जाए तो सही तरीके से उसको उच्चारण करने करना समझ में आ जाता है। उसको हम बलाघात बोलते हैं। बलाघात यानी कहाँ पे बल के द्वारा आघात करना है, कहाँ पे बल से आघात करना है, ठीक है। जैसे आप अगर कोई ऑनलाइन डिक्शनरी देखोगे, ऑनलाइन डिक्शनरी वगैरह आप देखते हो तो वहाँ पे जैसे गूगल का आप देख लीजिए, गूगल ट्रांसलेट देख लीजिए, गूगल की डिक्शनरी देख लीजिए, तो वहाँ पे जो अंग्रेजी का जो शब्द होता है वहां पे इस तरीके का स्लैश लगा होता है, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि किस बल के, किस वर्ण के ऊपर, किस ध्वनि के ऊपर बलाघात करना है और जिससे उच्चारण और अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है। तो ये बल या बलाघात ये हो गया। अब अगला है सुर, तान और अनुतान। जब भी हम बोलते हैं तो सदा एक ही लहजे में नहीं बोलते हैं, शब्दों के उच्चारण में अक्सर उतार चढ़ाव आता रहता है। बोलने में आए इसी उतार चढ़ाव को सुर परिवर्तन कहा जाता है। सुर में ये उतार चढ़ाव कभी स्वर यंत्रियों में अधिक हिंचाव के कारण होता है, कभी फेफड़ों में अधिक मात्रा में वायु निकलने के कारण, तो कभी जीभ की मांसपेशियों में अधिक तनाव के कारण। सुर परिवर्तन से होने वाले उतार को अवरोह तथा चढ़ाव को आरोह। जब सुर नीचे की ओर जाता है, उतरता है, तो उसे अवरोह कहते हैं, और जब ऊपर की ओर जाता है तो उसे आरोह कहते हैं। अनेक भाषाओं में सुर के इसी आरोह और अवरोह के कारण शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है, अर्थ भी बदल जाते हैं। खास करके जब आप किसी न्यूज एंकर को देखते हैं, न्यूज पढ़ता है, तो उसके उसके बोलने के अंदाज में सुर परिवर्तन बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ताकि जब जो न्यूज है या खबर है उसकी प्रकृति के हिसाब से उसमें आरोह और अवरोह होता रहता है, यानी आवाज में, ध्वनि में उतार और चढ़ाव होता रहता है, तो सुनने में भी उसको थोड़ा सा, जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मेरा व्याख्यान सुन रहे हैं, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पे सुर चढ़ता है। जब मुझे किसी बात के ऊपर ज्यादा आपको आपका ध्यान आकर्षित करना होता है तो मैं थोड़ा सा अवरोह के मोड में जाता हूँ, जब फिर नॉर्मल सी बातें जब मुझे करनी होती तो मैं आरोह के अंदाज में बात करता हूँ, तो ये आरोह अवरोह होता रहता है। और जो तान जो है, तान क्या है, शब्द के स्तर पर, ये तो वाक्य के स्तर पे हो गया, ठीक है, सुर। अब ये तान शब्द के स्तर पर सुर भेद को हम तान या टोन कहते हैं, टोन। टोन कई भाषाओं में, जैसे चीनी, जापानी, कोरियन भाषाओं में बहुत इनका मायने हैं। क्यों मायने हैं, जैसे चीनी भाषा में मा शब्द को अलग अलग सुरों के साथ बोला जाता है, तो अगर आप मा को, मतलब एक माँ ध्वनि को बोलने के अंदाज से उसके चार अर्थ होते हैं, जैसे एक में माँ का मतलब मदर, एक में माँ का मतलब घोड़ा हॉर्स, एक में माँ के मतलब दोष निकालना, और एक में माँ का मतलब पटुआ। ऐसे चार अर्थ जो है सिर्फ एक ही ध्वनि से, एक ही वर्ण से आ जाते हैं। फर्क क्या है, सिर्फ तान का, ठीक है, किस टोन में बात। सुर परिवर्तन के कारण जब किसी शब्द का अर्थ बदल जाता है तो उसे हम तान कहते हैं, तथा ऐसी भाषाएं तान भाषाएं, टोन लैंग्वेजेस कहलाती है, ठीक है, बहुत मायने होता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भाषा किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जब बोलता है तो उसमें जो टोन है या बोलने का जो लहजा है, तान है, उससे काफी कुछ निर्भर करता है, ठीक है। तो कुछ भाषाएं तो ऐसी होती हैं जो टोन बेस्ड होती हैं, इन टोन लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे मैंने अभी चीनी भाषा का बताया। तो अनुतान क्या है, ये हमने सुरतान देखा, अब अनुतान देख लेते हैं। वाक्य के स्तर पर सुर भेद को अनुतान कहें, अभी शब्द के स्तर पर आ गया, अभी वाक्य के स्तर पर जो आएगा उसे हम अनुतान कहेंगे। इंटोनेशन, इंग्लिश में इंटोनेशन, हिंदी अंग्रेजी आदि भाषाओं में सुर परिवर्तन से शब्द का अर्थ तो नहीं बदलता पर वाक्य का अर्थ अवश्य बदल जाता है। ये गुण संसार की सारी भाषाओं में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ तीन उदाहरण दिए हमने, सॉरी एक उदाहरण दिया, इस उदाहरण से आप समझ में आ जाएंगे। जैसे कह रहा है एक ही वाक्य है, वाक्य देखिए एक ही है, वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ रहा है। अब इसको बोलने का अंदाज कैसा है, वह आ रहा है, सामान्य कथन, वह आ रहा है प्रश्न, वह आ रहा है आश्चर्य, ठीक है। तो एक ही वाक्य को मैंने तीन अलग अलग अंदाज से बोला तो तीनों से अलग अलग अर्थ सामने आता है। पहला तो सामान्य सा कथन है कि हाँ ठीक है वो आ रहा है,
दूसरा प्रश्न वो आ रहा है क्या, वो आ रहा है तो क्या हम नहीं लगाते, वो आ रहा है इतना ही पूछते हैं, तो अगला समझ आता है कि प्रश्न पूछ रहा है क्या वो आ रहा है, और जब वो आ रहा है यानी हमारा एक्सप्रेशन और हमारा टोन से हम बताते हैं कि उनको बड़ा आश्चर्य है कि वो आ रहा है। तो अवरोह, आरोह और अवरोह की दृष्टि से अनुत्थान के तीन स्तर हो सकते हैं, उच्च, निम्न और मध्यम, ठीक है, तीन स्तर हैं आरोह और अवरोह के। तो बेसिकली ये कुछ खास चीजें थी जिसमें इस इकाई में मैंने ध्वनि व्यवस्था से आपको परिचित कराया, और इसका उद्देश्य था कि संक्षेप में आपको स्वरों और व्यंजनों का परिचय दे, अनुत्थान, बलागा, संहिता, मात्रा, अनुनासिकता आदि के रूप में आदि चीजों से आपको परिचित कराऊं। अभिषेक अभी एक ब्रेक लेंगे या प्रश्नोत्तर करें, क्योंकि अगला जो है विषय है हिंदी रूप शब्द और पद, उनमें से आज हमको हिंदी रूप लेना था। जी जी, फिर कंटिन्यू करते हैं हिंदी रूप, उसके बाद फिर क्वेश्चन राउंड सेशन करेंगे। तो इसमें ये जो पहला विषय लिया ये ध्वनि संरचना का था, और अगला जो विषय है वो रूप का है, ठीक है। रूप से आप लोग क्या समझते हैं, या रूप विज्ञान, ये वो रूप नहीं है जो चेहरा या चेहरा देख करके हम रूप की संकल्पना करते हैं, ये भाषा में रूप, भाषा में रूप का अर्थ बिल्कुल अलग है, यहाँ अर्थ बदल जाता है। ये थोड़ा सा विषय भी ऐसा है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको सुने और मेरे व्याख्यान के बाद एक बार जरूर इसका फॉलोअप लें, सुधर पढ़ें आप, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दो बार उसका आप पढ़ेंगे, उनके उदाहरणों को आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसका अभ्यास करेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। मैं शुरू करता हूं कि रूप विज्ञान आखिर है क्या। इसको एक इंग्लिश में शब्द है मॉर्फ, MORPH, इसका प्रयोग होता है, ठीक है, मॉर्फ के लिए, रूप के लिए, शायद इससे आपका पहले वास्ता पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रयोग ये होता है। तो ये है क्या, भाषा की रचना को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक रूप विज्ञान जो विभिन्न रूपों से शब्दों की रचना की जाती है, वाक्य विज्ञान शब्दों से पदबंध की रचना करते हैं। रूप विज्ञान में दरअसल होता क्या है, रूप विज्ञान में विभिन्न रूपों से, विभिन्न मॉर्फ से हम लोग शब्दों की रचना की जाती है। पद रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान का सेतु है जो वाक्य में शब्दों के प्रयोग की स्थिति को स्पष्ट करता है। इस इकाई में हम रूप शब्द पद इन दोनों संकल्पनाओं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये रूप जो है अपने आप में बड़ा विशाल विषय है, तो खैर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैं शुरू करता हूँ कि आखिर है रूप की संकल्पना। रूप से हमारा तात्पर्य शब्द के ध्वनियात्मक रूप, ठीक है, यानी फोनेटिक फॉर्म आप कह सकते हो, ध्वनियात्मक रूप से नहीं है। इस फॉर्म के अर्थ में हम भाषा के स्वरांत शब्द, व्यंजनांत शब्द आदि की चर्चा कर सकते हैं। रूप विज्ञान के संदर्भ में हमारा तात्पर्य सार्थक शब्द खंडों से है। शब्द एक या अधिक रूपों से निर्मित होता है, घोड़ा, सड़क, आम आदि शब्दों में केवल एक ही रूप है, क्योंकि इन शब्दों को हम सार्थक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में एक से अधिक खंड होते हैं। तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, जब आप शब्दों को देखते हैं तो शब्दों को आप देखते होंगे जिसको हम शब्दों का एक प्रकार पढ़ते थे ना व्याकरण में, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द क्या है, जिनमें परिवर्तन आता है, और अविकारी है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जो विकारी शब्द हैं उनमें, उन विकारी शब्दों को लेकर के हम वचन, लिंग, पुरुष और बहुत सारी ग्रामेटिकल फॉर्म के आधार पर, व्याकरणिक चीजों के आधार पर जो है हम उसके रूप को बदलते हैं, उसके रूप परिवर्तन आता है और शब्दों का रूप जो है बदल जाता है, और बेसिक शब्द, मूल शब्द एक ही रहता है लेकिन उसका रूप परिवर्तित होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे। तो दो रूप, लघुता, बचपन, जैसे दो शब्द हम लेते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा शब्द कैसे बना, लघु मूल शब्द है,
का प्रत्यय इसमें जुड़ गया है। ठीक है, अब ये शब्द देखिए बचपन, बचपन शब्द कैसे बना है, तो आप कहेंगे सर बच पन, तो बच ठीक है, पन जो है प्रत्यय लगा, पन प्रत्यय लगा, लेकिन बच क्या शब्द है, बच भी तो शब्द नहीं, तो बच्चा, बच्चा शब्द बिगड़ करके बच बना, और बच में फिर पन प्रत्यय लगा तो बचपन हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, चाइल्डहुड। ता और पन आदि रूप क्रमशः लघु होने से बच्चा होने का भाव सूचित करते हैं, वैसे ही भावुकता, क्रमिकता, अब यहाँ पे जो है और भी हम उदाहरण लेंगे, इसमें दो रूप दिखाया गया लघुता में, दो रूप यानी सिर्फ दो शब्दों को लेकर के ये बना, या तीन रूप कौन कौन सा, भावुकता, क्रमिकता, अनेकता, अशक्तता। ठीक है, तीन रूप कैसे है इनमें, ठीक है कैसे, आप बताइए, भावुक शब्द कैसे बना है, भाव में उप प्रत्यय लगा, भाव प्लस उप प्लस ता, तो तीन रूप मिला, तीन शब्द मिला करके ये शब्द बना है, क्रम प्लस इक क्रमिक प्लस ता क्रमिकता, वैसे ये तीन रूपों वाले शब्द हैं, और अगर हम और आगे बढ़े तो इसको हम देखेंगे कि चार रूपों वाले शब्द भी बनते हैं, जैसे अन्याय पूर्वक, अन्याय पूर्व का, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मा दार प्लस ई, तो आप देखेंगे कि अन्याय पूर्वक, गैर जिम्मेदारी और लघुता, भावुकता, ये शब्द जो है कैसे बनते हैं, क्योंकि बड़े फ्रिक्वेंटली हम इनका प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन कभी हम इसका एनालिसिस हमने कभी किया नहीं, विश्लेषण कभी किया नहीं, तो यही यहीं पे रूप की संकल्पना की गई, और यहीं पे रूप को एक अलग ही भाषा विज्ञान का चैप्टर और एक विषय बना करके इसका अध्ययन शुरू हुआ कि शब्द जो है, शब्दों का रूप क्या है और रूप कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है, इसका पूरा अध्ययन जो है रूप विज्ञान के तहत किया जाता है। और आगे देखिए, शुरू शुरू में थोड़ी सी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी कि अगर आपने थोड़ा पहले पढ़ा होगा या थोड़ा होमवर्क किया होगा, ठीक है। रूप के प्रकार, रचना के आधार पर हम देखेंगे रूप के प्रकार, हमने ऊपर उल्लेख किया था कि एक से अधिक रूपों से शब्दों की रचना होती है, घोड़ा, सड़क, पेड़ आदि शब्द एक ही रूप के निर्मित है, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि इनको और तोड़ा नहीं जा सकता, घोड़ा को कोई ब्रेक नहीं कर सकते आप, कुछ शब्द नहीं मिलेगा, वैसे ही सड़क है, वैसे ही पेड़ है, एक ही शब्द से इनके रूपों का निर्माण हुआ, इसके कारण ये रूप शब्द के तौर पर स्वतंत्र रूप से व्यवहृत होते हैं। इसकी तुलना में तापन आदि रूप स्वतंत्र रूप से व्यवहृत नहीं हो सकते, इसमें आप ता या पन जोड़ करके कुछ बना नहीं सकते हैं, सड़क से सड़कता या सड़कपन या पेड़ से पेड़ता, ये नहीं बन सकता है। इन्हें शब्द निर्माण के लिए अन्य किसी रूप का सहारा चाहिए, इन्हें हम बद्ध या अस्वतंत्र रूप भी कहते हैं, प्राय सभी प्रत्यय बद्ध रूप होते हैं। शब्द रचना में यह भी देखा गया है कि किन्हीं शब्दों की रचना में स्वतंत्र मूल रूप भी बद्ध रूप की तरह प्रयोग में लाया जाता है। अभी देखिए, मूल रूप घोड़ा है, इसमें कोई प्रत्यय लगा के हम नहीं बना सकते, लेकिन इसका बद्ध रूप क्या है, इसको बद्ध रूप ये घुड़ बन जाता है, घोड़ा से घुड़ बन गया, और घुड़ से फिर कौन सा शब्द बना, घुड़सवार, घुड़साल, ठीक है। वैसे बच्चा, ठीक है, इसमें कोई प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका बद्ध रूप है, ये मूल रूप है, इसका बद्ध रूप क्या है, बच, बच्चा से बच, और फिर उससे व्युत्पन्न शब्द क्या है, बचपन और बचकाना, बचपन और बचकाना, ये शब्द जो है इस बच रूप से बना। इसी तरह मुक्त और बद्ध रूप से शब्द निर्माण की प्रक्रिया में कई प्रकार के संयोजन संभव है, ठीक है, जैसे मुक्त और बद्ध, इसको अगर हम देखेंगे तो देश प्रेम, निर्बल, लघुता, अनुज, विवाह, ये सारे शब्द जो हैं मुक्त और बद्ध, इन शब्दों के प्रयोग से ये बने, जैसे मुक्त और मुक्त दोनों ही, सॉरी देश प्रेम, देश और प्रेम दोनों ही मुक्त शब्द हैं। निर्बल में नी और बल, बल मुक्त शब्द है, जबकि नीर जो है
वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया। वैसे लघुता में क्या है, लघु मुक्त शब्द है, उसका अपना अर्थ है, जबकि ता जो है एक भाववाचक संज्ञा से इसका लिया गया, एक प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, तो ये बद्ध शब्द है। वैसे बद्ध और बद्ध, अनुज और विवाह, ठीक है। वी और वाह, अनु अनु प्लस ज, तो दोनों का अपने में कोई अर्थ नहीं है, दोनों बद्ध शब्द हैं, अनु भी और ज भी, वी और वाह भी, तो बद्ध और बद्ध शब्द बन के इनका एक सार्थक शब्द बनना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रूप जो है कैसे रूपों के प्रकार कैसे बनते हैं, बद्ध शब्दों से, मुक्त शब्दों से। अब यहां देखेंगे प्रकार्य के आधार पर दो मुक्त रूपों से बनने वाले शब्दों को हम समस्त शब्द या संयुक्त शब्द कह सकते हैं। इनकी रचना और प्रयोग की विशेषता के बारे में आगे देखेंगे। बद्ध रूपों से निर्मित शब्दों को प्राय हम एक मूल शब्द के साथ प्रयोग का उपयोग करते हैं। प्रत्यय वास्तव में बद्ध रूपों का पर्याय है। भाषा विज्ञान में ऐसे प्रत्ययों को स्थान की दृष्टि से तीन वर्गों में बांट, प्रत्यय शब्द आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसके तीन रूप प्रत्यय समझते हैं ना, जो शब्द के आगे लग करके नया शब्द बनाने में मदद करते हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के पीछे लगता है और पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देता है, या अर्थ में विशेषता विशिष्टता उत्पन्न कर देता है, या कोई नया शब्द बना देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के तीन रूप है, पूर्व प्रत्यय प्रीफिक्स, मध्य प्रत्यय इनफिक्स, अंत प्रत्यय सफिक्स। हिंदी में मध्य प्रत्यय नहीं है और परंपरा से पूर्व प्रत्यय को उपसर्ग कहा गया है। हम परंपरा का निर्वाह करते आगे चर्चा में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी के रूप दो प्रकार के, कर धातु से करे, किया, कर्ता आदि क्रिया रूपों का निर्माण होता है। लड़की शब्द से बहुवचन लड़कियां, कारक युक्त शब्द लड़कियों आदि का निर्माण होता है। इस तरह संज्ञा क्रिया आदि शब्दों से वचन, कारक, काल, पक्ष आदि व्याकरणिक सूचनाएं प्रकट करने के लिए हम रूप साधक या इन्फ्लेक्शनल रूपों का प्रयोग करते हैं। तो जो मैं कह रहा था उसको यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि शब्द है कर, कर क्या धातु है, और उससे कोई काम करने की क्रिया जो है प्रकट होती है, उसी को अलग अलग स्थान, व्यक्ति, एक वचन, बहुवचन, लिंग आदि के स्थान पर देखो कैसे परिवर्तित होता है। करे, किया, करता, ये सभी कर धातु से बने। वैसे लड़की के लिए बहुवचन में लड़कियां, कारक शब्द के लिए लड़कियों, शब्द का रूप बदल रहा है ना, तो एक नया शब्द का रूप यहाँ पे गठित हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो रूपों का दूसरा प्रकार शब्द साधक प्रत्यय है। धन से हम धनी शब्द विशेषण या व्यक्ति का निर्माण करते हैं, परेशान से हम परेशानी का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह शब्दों के रूपों के प्रयोग से हम भिन्न किंतु संबंध अर्थ वाले कई शब्दों की रचना करते हैं। शब्द निर्माण के लिए व्यभिरूत इन रूपों को ही हम शब्द साधक या डेरिवेशनल रूप कहते हैं, ठीक है। तो जिनका प्रयोग करके ये शब्दों का निर्माण होता है उसको हम शब्द साधक या डेरिवेशनल रूप कहते हैं। अभी आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे धन से हमने, धन जो है संज्ञा है, धन का मतलब संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ, लेकिन उसमें हम ई शब्द जोड़ दिए, ई प्रत्यय जोड़ दिए, तो क्या बन गया, धनी, धनी बन गया, तब वो संज्ञा नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण लग गया, धनी व्यक्ति। तो शब्द का रूप इस प्रकार से गठित हुआ। ये बद्ध रूप जो हमने बताया आपको, हिंदी के सभी बद्ध रूपों को हम निम्न प्रकार से एक तालिका में दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये रूप है, ये उसके जो मॉर्फ्स जिसे रूप कहते हैं। अब ये रूप साधक है और शब्द साधक, रूप साधक में प्रत्यय, शब्द साधक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ जाते हैं। रूप साधक प्रत्यय क्या है, व्याकरण ग्रंथ रूप साधन को रूप सिद्ध भी कहते हैं। हमने उल्लेख किया था कि रूप साधक प्रत्यय शब्द में व्याकरणिक अर्थ जोड़ते हैं, दूसरे शब्दों में ये प्रत्यय शब्द की व्याकरणिक कोटियों का अर्थ द्योतित करते हैं। ये व्याकरणिक कोटियां सात हैं। ये देखिए, ये रूप साधक प्रत्यय व्याकरणिक कोटियों से में कैसे परिवर्तन आता है। लिंग शेर, लिंग बदल गया शेरनी, लड़का लड़की, वचन में बच्चा बच्चे, एक वचन बच्चा, बहुवचन बच्चे, एक वचन लड़की, बहुवचन लड़कियां, पुरुष में मैं, तुम, वह, मैं प्रथम पुरुष, तुम द्वितीय पुरुष, वह अन्य पुरुष, कारक कमरा कमरे,
है ना, कारक चिन्हों के हिसाब से, कमरा, कमरे, कमरे, कमरों, ऐसे इनका रूप बदल रहा है कारक के हिसाब से, ठीक है। आपने देखा हुआ एक शब्द है, एक नाम है आगरा, ठीक है, तो आगरा स्थान का नाम है ना, लेकिन उसका रूप कैसे बदलता है, कोई कहता नहीं आगरा का बेटा, हिंदी में क्या प्रचलित है, आगरे का बेटा, आगरे का बेटा। तो नाम है, संज्ञा है, संज्ञा होने के बावजूद उसमें ये जो कारक चिन्ह है मे, ये मे का प्रयोग उसमें होने के कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं, आगरे, आगरा नहीं बोलते, वो आगरे से आया है और आगरे का बेटा, ऐसा प्रयोग हम करते हैं। तो ये वचन के रूप में, ये तो संस्कृत का है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, राम, रामो, रामः, कर्म में राम, रामो, रामान, करण में रामेण, रामाभ्या, रामभ्यो, रामयो, संप्रदान में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो ये संस्कृत का आ गया। हिंदी में हम देखेंगे लिंग वचन कैसे बदलता है, पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य, एक वचन और बहुवचन, जाऊंगा, जाएंगे, मध्यम में जाओगे, अन्य में जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन, उत्तम में जाऊंगी, मध्यम में जाओगे, अन्य में जाएगी, बहुवचन में जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है जा, क्रिया, क्रिया कह लीजिए, धातु कह लीजिए, जा, जा से कैसे इन शब्दों का निर्माण हुआ है और ये शब्दों का निर्माण कैसे इनका रूप जो है परिवर्तित होता है, लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर, वचन के आधार। यह एक बड़ा टेबल है, इसमें ये दिखाया है कि इस तालिका में आप सर्वनाम के विकारी रूपों और परसर्गों को मिलाकर एक शब्द का रूप लिखा जाता है, उसको आप देख सकते हैं, सर्वनाम जो है उनके विकारी रूपों को लेकर के कैसे ये हुआ। सर्वनाम क्या है, मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरे, मेरी, बेसिकली सर्वनाम जो है क्या है, मैं है, मैं से इतने शब्दों का रूप गठित हुआ, तू, तूने, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, आपने, आपको, आपसे, वह, वह से, उससे, उसको, उससे, यह, इससे, इसको, इससे, उससे, हम, हमने, हमको, हमसे, हमारा, हमारे, हमारी। तो आप ये देखेंगे शब्दों, ये सर्वनाम भी जो है ये कैसे अलग अलग विकारी रूपों में प्रकट होते हैं, परसर के आधार पर इनके शब्द रूपों को लिखा जाता है। और ये प्रत्यय, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या सैकड़ों में, प्रत्यय क्या है, जैसा हमने यहां पे देखा ना, ये प्रीफिक्स, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, इनकी संख्या सैकड़ों में, यानी 100 से ज्यादा है। ये प्रत्यय स्रोत की दृष्टि से संस्कृत, तत्सम, हिंदी, तद्भव और अरबी फारसी मूल के। प्रत्यय शब्द यौगिक रूढ़ होते हैं, अर्थात हम अपनी इच्छा से किसी भी शब्द के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा सकते। अब आप देखेंगे शब्द में प्रत्यय कैसे लगा है, दयालु, कृपालु, साधु से हम अनुकंपालु या ममतालु शब्द नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी रूढ़ हो गए, फिक्स्ड हो गए। ऐसे मनमानी हम लोग कोई प्रत्यय लगा के कोई शब्द का रूप बदल नहीं सकते। दयालु और कृपालु है, लेकिन उसी के आधार पर हम अनुकंपालु या ममतालु शब्द नहीं बना सकते। वैसे ईद, ईक आदि प्रत्यय बहुत प्रचलित है, जबकि ईला ऐसे प्रत्यय सीमित शब्दों के साथ प्रयोग में आते हैं। तो इनका यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रत्ययों का रूप, अगर आप देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। अन, आदर, ये काफी हद तक सही है, लेकिन भाषा की जीवनता के कारण कई प्रत्यय व्यापक रूप प्रयोग में व्यवहार में आते हैं, जैसे बेलाग, जैसे हिंदी और उर्दू के प्रत्यय भी मिल गए। बेला, इसमें बे जो है उर्दू का है, लाग शब्द हिंदी का है, उर्दू प्रत्यय और हिंदी शब्द मिला के बना है बेला। वैसे ही गर्माहट, उर्दू गर्म और आहट प्रत्यय हिंदी का है। गुनाहट, गर्माहट होता है ना, तो यहाँ पे गर्माहट शब्द में शब्द उर्दू का है, प्रत्यय हिंदी का। वैसे यहाँ पे कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय दिए गए हैं संस्कृत के, अ, अन, सु, उ, अन, ये सब संस्कृत के प्रत्यय, अन हिंदी का प्रत्यय, बे
यानी बेकार, दा यानी नालायक, ला यानी लाजवाब, बद यानी बदनाम, जैसे बद ये प्रत्यय है उर्दू के, ला का मतलब है जिसका कोई ना हो, जिसके आगे लग जाता है तो उसका मतलब नहीं के अर्थ में आता है, जवाब लाजवाब, ठीक है, नाम बदनाम, बद का मतलब होता है खराब, ठीक है, वैसे ना का मतलब नालायक, लायक नालायक। वैसे यहाँ पे प्रत्यय अगर आप देखेंगे तो ईत प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, इका प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, ये प्रत्यय संस्कृत के हैं। वैसे हिंदी के प्रत्यय है पन बचपन, आर लुहार, आस मिठास, सपूत कपूत, नी मोरनी, मोर मोरनी, आवट यानी बनावट, आवना डरावना, इस तरीके से ये प्रत्यय हिंदी के हैं। प्रत्यय पीछे लगते हैं, वैसे खुश ई खुशी, ठीक है, मंद ई मंदी, दार जिम्मेदार, तो रूपिम, रूपिम की संकल्पना, तो ये रूपिम को मैं आज ले लूंगा। रूपिम जो है अपने आप में ये फिर एक बड़ा विस्तृत सा विषय है, इसके लिए कम से कम भी आधे घंटे का समय चाहिए, तो रूपिम को हम इसमें आज के इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, बल्कि एकदम सिंपली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा मैंने आपको दिया रूप का, और कुल मिला के आपको अगर समझना हो रूप को बेसिकली, तो आप इसी आधार पर समझ सकते हैं कि जो शब्दों का परिवर्तन, एक शब्द के रूपों का जो विभिन्न आधार पर जो परिवर्तन आता है, उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन जो है वो रूप विज्ञान कहलाता है। क्योंकि बेसिकली जो शब्द होते हैं मूलतः वो बड़े ही सूक्ष्म रूप में या छोटे से रूप में होते हैं, उनका उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, और उनमें वो परिवर्तन कैसे आया और ये रूप कैसे गढ़ा गया, कैसे उस रूप गठित हुआ, उसको अध्ययन करना ही रूप विज्ञान कहलाता है। जैसे जैसे आप थोड़ा डिटेल्स में और जाएंगे और थोड़ा और पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ने आनंद लिया होगा आज के व्याख्यान का, और मुझे लगता नहीं कि कुछ आपके पास ज्यादा कुछ डाउट होगा, लेकिन आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछिए, कोई डाउट हो तो हम लोग उसमें प्रयास करेंगे बताने का। धन्यवाद भैया, और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो कुछ भी उनके प्रश्न हो वो अपने मौजूद चैट बॉक्स में बदल दिया हुआ है, उस चैट बॉक्स के द्वारा अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न जो एक विद्यार्थी ने पूछा, मैं उनका प्रश्न पहले चीज तो मैं समझ नहीं पाया, फिर मैं आपके सामने दोहराऊंगा। सर एक विद्यार्थी पूछने की हिंदी व्यंगों का स्थान के आधार पर वर्गीकरण, प्रश्न मैं खुद ही नहीं समझ पाया। नहीं मुझे थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई दिया, कहाँ पे प्रश्न इन्होंने कहाँ डाला है? वो चैट बॉक्स आप, मैं प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, आप प्रश्न मत, मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न वगैरह। उसका प्रश्न मुझे भी नहीं समझ आया, उन्होंने प्रश्न किया कि हिंदी व्यंगों का स्थान के आधार पर वर्गीकरण, व्यंगों के स्थान पे तो वर्गीकरण जो भी ना, व्यंगों की जहाँ हम लोग बात करते हैं तो व्यंग के लिए हम लोग जब उसकी बात होती है तो साहित्य की एक विधा हम कहते हैं। हेलो सर। हाँ हेलो सर, व्यंगों नहीं सर, व्यंजनों के आधार पर सर। अच्छा अच्छा सर, क्या पूछना है? व्यंजनों के आधार पर वर्गीकरण, व्यंजनों के स्थान के आधार पर वर्गीकरण पूछना चाहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जी सर जी सर। हाँ ये तो हमने बताया था, चर्चा की था। नहीं तो वो और एक बार मतलब वो समझ नहीं पाया, तो एक बार और कि आप दोहरा दें। कोई दिक्कत नहीं, बता जी सर। व्यंजन पे आते हैं, असित जी आप ये स्लाइड देखिए, तो इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा हिंदी व्यंजनों के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ये शायद आपका प्रश्न था कि उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम इसकी कैटेगराइजेशन करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 आठ वर्गों में हम इनको रख सकते हैं। पहला है कंठ्य या कोमल तालव्य, इसमें ये वर्ण आ गए। फिर तालव्य, इसमें ये आ गए, छ छ जन्य। फिर मूर्धन्य आ गया,
मूर्धन्य में मूर्धा के साथ उच्चारित होता है ट ठ ड ढ ण जो दो उत्क्षिप्त वर्ण है व्यंजन है उत्क्षिप्त व्यंजन वो भी आ गए फिर श आ गया मूर्धन्य श ठीक है फिर दंते में त थ द द न दंते वर्ष में स ज र ल ओष्ठ में प फ व भ दंतोष्ठ में व और फ और स्वर तंत्रिय में ह और भी ज्यादा अगर इसका सूक्ष्मति सूक्ष्म विश्लेषण करें तो कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने उसको और भी सूक्ष्म तरीके से उसका विश्लेषण किया है लेकिन उतने डिटेल्स में गहराई में जाने की हमको जरूरत नहीं जो बेसिकली जो मेन अवयव है खास जो पार्ट्स हैं उच्चारण के उनको ध्यान में रखते हुए जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो हमारे सामने यही वर्गीकरण आता है। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि समय भी लगभग हो चुका है तो चाहे तो अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे सीधे आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं तो मैं विद्यार्थियों को सीधा आमंत्रित करता हूँ कि वो चाहे तो सीधे आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो अपने माइक को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकता है। कोई संकोच मत कीजिए, अगर कोई भी मन में प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछना आपका मौलिक अधिकार है छात्रों का तो और जवाब देने के लिए हम बैठे ही हैं। कोई शंका हो तो आप पूछ लीजिए। सभी ने समझ लिया है लगता है। मैं तो समझा नहीं है, ये एक चीज है भाषा विज्ञान या की जो बात करें तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कहे तो बच्चों को तकलीफ होती है उसको तो पढ़ना पड़ता है तो साइंटिफिक हो जाता है ना चाहे भाषा विज्ञान बात करे कार्यशास्त्र की बात करे। हाँ इसीलिए तो मैंने उसको स्लाइड में उसको ये किया कि थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ में आपको आए इसलिए स्लाइड के थ्रू मैं समझ रहा हूँ कि अगर व्हाइट बोर्ड हो ब्लैक बोर्ड हो उस पे अगर मैं सामने आपको स्पष्ट करूँ तो शायद और बेहतर तरीके से वो स्पष्ट होता बट यहाँ पे मैंने पूरा प्रयास किया है और आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे और आपको कोई प्रश्न है कोई शंका हो तो आप पूछिए बेहिचक। अच्छा मैं आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा कि मतलब आपको समझ में तो आ रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अगर कोई परेशानी है साउंड में वॉइस में या समझने समझाने में तो भी आप बताइए। हेलो सर हेलो ठीक है सर शब्द और अर्थ में क्या फर्क है शब्द और अर्थ में अच्छा देखो ऐसा है शब्द और अर्थ में अर्थ जो है वो एक पूरी अलग यूनिट है उसको हम पढ़ेंगे उसको अलग से हम उसका अध्ययन करेंगे लेकिन बेसिकली अगर आप उसका एक छोटा सा ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या इसमें अंतर है तो मैं आपको एक उदाहरण देके एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ क म ल तीन वर्णों को मिला करके मैंने एक शब्द गढ़ा क म ल तो आपके मन में असित क्या है तीनों शब्द मिलकर द म ल हुआ इससे आपको दिमाग में क्या आया लोटस का पिक्चर आया ना फूल का कोमल ठीक है तो कमल जब हम कहते हैं तो हिंदी में कमल का मतलब फूल होता है ठीक है अगर मैं उसको मकल कहूं मकल मकल अगर मैं उच्चारित करूं तो मकल से आपके दिमाग में कोई कोई पिक्चर आती है नहीं कुछ नहीं क्योंकि मकल का अर्थ वो शब्द नहीं है कोई हाँ तो शब्द सभी सार्थक होते हैं जब उसमें कोई अर्थ हो हाँ भाषा में शब्दों का गठन कैसे होता है शब्द जो है उसका बहुत सारे शब्द जो है वो धीरे धीरे समय के हिसाब से गढ़ गए बन गए
कुछ शब्द हमारी भाषा में संस्कृत से आए, कुछ शब्द हमारी भाषा में विदेशी भाषा भाषाओं से आए, ठीक है, और कुछ शब्द हमारे भाषाओं में अपने आप ही चले गए, जैसे गाड़ी लोटा ये सब हमने बनाया। तो शब्द बेसिकली क्या होता है कि एक ध्वनि व्यवस्था होती है और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक अर्थ जो है हमारे दिलो दिमाग में रूढ़ हो जाता है, ठीक है, रूढ़ हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हम पानी देते हैं तो उसको तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम दो बार तीन बार चार बार पांच बार उसको बोलते हैं पानी 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 पानी, तब उसके दिमाग में ये रूढ़ हो जाता है कि ये जो तरल पदार्थ है जो पीने के लिए ग्लास में मिलता है या जो पीता है तो उसको उसकी भाषा में पानी कहा जाता है, तो पानी शब्द उस भाषा उस शब्द के लिए रूढ़ हो गए, ठीक है। तो बिना बिना अर्थ के, बिना अर्थ के तो शब्द निरर्थक है, शब्द तभी सार्थक होता है जब उसमें कोई अर्थ हो। तो आप ये कह सकते हैं कि शब्द जो अगर देह है तो अर्थ जो है उसके प्राण, बिना प्राण के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, यही बेसिक अंतर होता है शब्द और अर्थ में। एक विद्यार्थी ने सर प्रश्न किया है कि भाषा विज्ञान क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है भाषा विज्ञान, साहित्य के, शायद मुझे लग रहा है उनका ये पूछना है कि साहित्य के बीच में जब साहित्य की बात करते हैं तो कहानी नाटक बहुत सारे साहित्य की बात करते हैं तो वहां तक सीमित रख देते हैं, तो भाषा विज्ञान का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, उनका संबंध मुझे लग रहा है इसी से है। वो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद वो चुटकुला व्हाट्सएप में पढ़ा होगा जिसमें किसी ने, एक छात्र ने पूछा, मतलब एक व्यक्ति ने पूछा था कि सर आपने हमको स्कूल में अल्फा बीटा गामा सब पढ़ा के इतना ये परेशान किया तो उसको हमारे लाइफ में क्या काम है, अल्फा बीटा गामा और भी लेमड़ा और कुछ कुछ था जिसको आज आज हम उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो व्यावहारिक जीवन में तो हम उसका कोई प्रयोग नहीं करते, ऐसा वो सोच सकते हैं। तो उनका ये प्रश्न है कि भाषा विज्ञान का हमारे हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम भाषा पढ़ते हैं, जो भाषा के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए भाषा के दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है साहित्य और दूसरा पक्ष होता है भाषा, ठीक है, एक होता है लिटरेचर और एक होता है लैंग्वेज, ठीक है, लिटरेचर और लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग का जो भाषा, हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी होते हैं उनका फोकस ज्यादातर साहित्य के ऊपर होता है, साहित्य के ऊपर होता है, भाषा का पक्ष थोड़ा कमजोर रह जाता है, और भाषा का पक्ष अगर कमजोर रह गया, वो भाषा का पक्ष कमजोर होने का कारण ये होता है कि हम व्याकरण कम पढ़ते हैं, व्याकरण हमको थोड़ा सा दुरू लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और भाषा विज्ञान भी हमको थोड़ा सा जटिल लगता है, तो हम उसको कम पढ़ते हैं, तो भाषा वाला जो पक्ष है वो थोड़ा कमजोर रह जाता है। अब इससे नुकसान क्या है और ये चीज क्यों जरूरी है, अभी ऐसे हम भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो भाषा विज्ञान में आपको ये पता चलता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा परिवार कौन कौन से है, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार में फर्क क्या है। अभी जैसे आपने पढ़ा कि ध्वनि संरचना, जो जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं, सुर को पढ़ रहे हैं, तुलसी को पढ़ रहे हैं, जायसी को पढ़ रहे हैं, उनकी कविताओं को पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का गठन कैसे हुआ, ठीक है, हमारी भाषा हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ध्वनियां कितनी है, ठीक है, इन सबको अगर हम जानकारी अगर हम ले और इसको अगर हम पढ़े और इसको तो क्या होता है, हमको हमारे हमारा विषय को समझने में पढ़ने में और भी आनंद आएगा और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। जैसे और भी अगर एक सरल उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके पिताजी ने आपको एक स्कूटर लाके दे दिया, ठीक है, तो स्कूटर चलाना जो है वो साहित्य पढ़ने के बराबर है, तो आपको स्कूटर चलाना आ गया, आप स्कूटर घुमा रहे हैं, एक्सीलेटर और चला रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, पढ़ रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर एक दिन स्कूटर खराब हो गया तो आपको स्कूटर को ठीक करने का भी थोड़ा टेक्निकल ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि स्कूटर के अवयव क्या क्या है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, वो बना कैसे है, उसको उसमें कौन कौन से, उसके इंजन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसकी अगर थोड़ी बेसिक जानकारी हो तो आप उसको शायद और बेहतर तरीके से
तो ये भाषा का जो है टेक्निकल पक्ष है, तकनीकी पक्ष है, इसको जाने बिना मतलब हम एक सफल विद्यार्थी पूरी तरीके से नहीं हो सकते। अगर आप इसको पढ़ के देखिए, इसको आप समझ के देखिए, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आज अगर आपने रूप को समझ लिया, भाषा की संरचना, ध्वनि संरचना को समझ लिया, अर्थ को समझ लिया, और उसके बाद वाक्य संरचना है उसको समझ लिया, तो आप आगे जब आप किसी भी साहित्य के किसी भी पहलू का अध्ययन करेंगे तो और भी आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके हिसाब से भाषा विज्ञान का अध्ययन हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। मैं अंतिम बच्चन एक प्रश्न पूछा, विद्यार्थियों को आमंत्रित कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर, स्पेलिंग भाषा के तकनीकी पक्ष में आता है या साहित्य में, और उसको सुधारा कैसे गया? क्या मैं समझा नहीं, थोड़ा सा प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट। विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि स्पेलिंग जो आता है वो भाषा के तकनीकी पक्ष में आता है या साहित्य पक्ष में, मतलब वो लिटरेचर में आता है कि लैंग्वेज में आता है, ये वो पूछते हैं। और अगर आपकी उनकी स्पेलिंग अगर किसी खराब है तो उसे सुधारा कैसे जाए? हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ये जिसको हम हिंदी में वर्तनी कहते हैं ना, अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, हिंदी में हम उसको वर्तनी कहते हैं। तो आप वर्तनी के बारे में पूछ रहे हो कि किस प्रकार से हम शुद्ध रूप से भाषा को लिखें, और ये वर्तनी जो है भाषा का साहित्यिक पक्ष है या इसका व्याकरणिक पक्ष है? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, वर्तनी जो है प्योरली विशुद्ध रूप से भाषा का व्याकरणिक पक्ष है, ठीक है? क्योंकि अगर आप नदी में बड़ी लगाते हैं, ठीक है, जब नदियां लिखते हैं तो बड़ी छोटी में तब्दील हो जाती है, होती है ना। लड़की लिखते हैं तो लड़की में बड़ी लगती है, जब लड़कियां लिखते हैं तो लड़की छोटी में हो जाती है तब्दील, ठीक है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम लोग हिंदी में हमको दिक्कत आती है लिंग की, कि कहाँ पे पुल्लिंग होगा और कहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, इसके लिए क्या नियम है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से व्याकरणिक है, व्याकरण के ऊपर आधारित है, और उसका पूरे नियम जो है स्थापित किए गए हैं, और नियम के तहत हर चीज बनी हुई, चाहे वो कारक हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो वचन हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो समास हो, चाहे वो संधि हो, हर चीज व्याकरण के नियमों के तहत आबद्ध है, ठीक है। और चूंकि आप तो अभी सेवेंथ और एट के स्टूडेंट नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आप कॉमिक्स पढ़ के या आप न्यूज चैनल देख के या कार्टून वगैरह देख करके हिंदी सीखिए। चूंकि आप एमए के विद्यार्थी हैं और आगे चल करके आप हिंदी के ऊपर और भी काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको अपनी वर्तनी शुद्ध करनी है, शुद्ध रखनी है, तो आपको इसके पीछे जो व्याकरणिक नियम है उनका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ये इसका एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष जो मेरा आंसर का ये है कि हाँ, इसमें सच्चाई है कि व्याकरणिक नियम आपको आने चाहिए, लेकिन व्याकरणिक नियम हर जगह हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। वो कैसे अप्लाई होता है? जैसे अगर आप मुझे पूछें कि सर हमारी बर्तनियाँ गलत होती हैं और बर्तनियों को हम लोग कैसे ठीक करें, तो उसका दूसरा जो मेरे उत्तर का पक्ष है वो है अभ्यास। अभ्यास क्या है? निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम उस भाषा में क्या होता है, हमको अपने आप ही एक्सपर्टीज आ जाता है, हम लोग उसको सीख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्हाट्सएप में या फेसबुक में देखा होगा शब्द है, शब्दों को उसने जंबल वर्ड बना दिया है ना, शब्दों का क्रम को बदल दिया, ठीक है, बदल करके पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, इंग्लिश का एक पैराग्राफ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग समथिंग फॉर दिस एग्जांपल वी आर गोना बियर और स्वॉप, कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कूड का स्पेलिंग मैंने बदल दिया, बियर का स्पेलिंग, एंड का स्पेलिंग, सब का स्पेलिंग बदल दिया, हल्का सा बदल दिया। लेकिन जब उसको आप पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन उस स्पेलिंग को अपने आप ही सही करके पढ़ता है, ठीक है, गलत नहीं पढ़ता है। समथिंग का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है लेकिन आपका ब्रेन अपने आप ही उसको ठीक करके पढ़ लेता है। वही स्थिति हिंदी के साथ ही,
वही स्थिति हिंदी के साथ है। अब मुझे कोई पूछता है कि अचानक से मुझे पूछे या आपसे पूछे कि भाई स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में उपाधि में कौन सी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप क्या व्याकरण की किताब खोल के देखते हैं उपाधि में कौन सी होगी, बड़ी है छोटी, नहीं देखते। आपका ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड रहता है कि आपके नजरों से और आपके दिमाग से उपाधि शब्द 10 बार गुजरा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि उपाधि जो है छोटी होगी, उपाधि नहीं होती, उपाधि उच्चारण उपाधि होता है, तो अपने आप ही आपके दिमाग में ये फिक्स्ड है और आप बोलेंगे नहीं उपाधि छोटी होती है। तो दो पक्ष हैं, व्याकरणिक नियम आपको आने चाहिए, व्याकरणिक नियम आपको सीखने चाहिए, साथ ही अगर आप अभ्यास कर ले भाषा का, अगर निरंतर अभ्यास करें तो उसमें आप अपने आप ही आपको उसमें जो प्रवीणता है वो आ जाती है। अभिषेक जी धन्यवाद सर। सर अंतिम प्रश्न विद्यार्थी ने एक मुझे मैसेज किया है, उन्हें पूछ रहे हैं वो प्रत्यय जो है ना पूर्व प्रत्यय मध्य प्रत्यय और अंत प्रत्यय जिसे हम लोग प्रीफिक्स इनफिक्स सफिक्स कहते हैं, उसे अंतिम प्रश्न के रूप में मैं इसे लूंगा और उसके बाद हम आज की कक्षा खत्म करेंगे। और प्रश्न प्रत्यय का है, मतलब वो एक बार चाहते हैं और एक बार क्लियर हो जाए, जिसे हम लोग प्रीफिक्स इनफिक्स सफिक्स कहते हैं ना, पूर्व प्रत्यय मध्य प्रत्यय अंत प्रत्यय, वो जी जी ठीक। ये देखो ये स्लाइड था, हाँ, ये पूर्व प्रत्यय मध्य प्रत्यय और अंत प्रत्यय, इसका मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है वो पूर्व प्रत्यय, जो शब्द के बीच में लगता है वो मध्य प्रत्यय, मध्य प्रत्यय बहुत कम यूज में आता है जो इनफिक्स है, और जो शब्द के बाद में लगता है उसे हम अंत प्रत्यय या सफिक्स कहते हैं। तो जो पूर्व प्रत्यय होता है इसका दूसरा नाम उपसर्ग भी है, उपसर्ग, जो उपसर्ग है वही पूर्व प्रत्यय है, ठीक है। जैसे अनुवाद, अनुवाद में अनु क्या है, पूर्व प्रत्यय, ठीक है, अनु का मतलब है साथ में, साथ में या बाद में, अनु का मतलब साथ में या बाद में, वाद का मतलब है वध से वादवाना है, मतलब है बोलना, ठीक है। तो अनुवाद शब्द का मतलब क्या हुआ, बाद में किसी बात को बोलना या दोहराना, ठीक है, अनु जोड़ वध जोड़ वा, अनु जोड़ वाद, ठीक है, अनु जोड़ वाद, तो अनु यहाँ पे क्या है, पूर्व प्रत्यय है। मध्य प्रत्यय का उदाहरण मैं आपको नहीं दूंगा, जो अंत प्रत्यय है उसका एक उदाहरण ले लो, जैसे लघुता, यहाँ पे लिखा हुआ है लघुता, ठीक है, लघुता, लघु शब्द है उसके पीछे क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है। तो ये उपसर्ग और ये प्रत्यय, ये दोनों के माध्यम से हम शब्दों के रूप को बहुत ज्यादा बदलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसी इसी में अगर आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हर एक शब्द के आगे आप उपसर्ग लगा है या प्रत्यय लगा है। जैसे प्रकार्य देख लीजिए, प्रकार्य अभिषेक, प्र कार्य, प्र उपसर्ग है, कार्य शब्द है, कार्य शब्द है, ठीक है, तो ये प्रकार्य बना है। वैसे आप और भी शब्द अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द यहां मिल जाएंगे। संयुक्त, सन उपसर्ग है, युक्त शब्द है, ठीक है। विशेषता, वी उपसर्ग, शेष मध्य शब्द है, ये शब्द है, मध्य प्रत्यय नहीं है, वी वी उपसर्ग है, शेष शब्द है, ता जो है क्या है, प्रत्यय, उपसर्ग शब्द प्रत्यय, तो इसके द्वारा हम शब्दों का रूप को बदल दें, तो यही है उपसर्ग और प्रत्यय। जी भैया धन्यवाद। अंत में कोई विद्यार्थी अगर स्वयं से कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो मैं एक मिनट का समय देता हूँ, वरना हम आज की चर्चा समाप्त करें क्योंकि समय भी हो गया अभी। चलिए तो मुझे लगता है कि और प्रश्न नहीं है किसी के। जी जी भैया, तो धन्यवाद सर आपका आज की कक्षा में अपने विषय के तौर पर भाषा विज्ञान को रखने के लिए, क्योंकि भाषा विज्ञान की बात करें तो स्वयं में थोड़ा सा वैज्ञानिक एक विषय बन जाता है, और विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि इसी कड़ी
को आगे बढ़ाते हुए भाषा विज्ञान से हमारे अगली कक्षा 9 मई को रखी गई है, जो टीचर भी हमारे साथ उस दिन मौजूद रहेंगे और आगे जो भी हमारा विषय और खंड जो भी बच्चे बच गए हैं उसको पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज की कक्षा में अपना समय दिया। मैं विद्यार्थियों का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जैसा हम जानते हैं कोई भी कक्षा बिना विद्यार्थियों के पूर्ण नहीं होती है, तो विद्यार्थियों का धन्यवाद बहुत। और मेरे टेक्निकल टीम जो भी मेरे सहयोगी आज यहाँ हमारे साथ मौजूद रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद अभिषेक जी और धन्यवाद निशांत जी और धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का कि आपने धैर्य पूर्वक मुझे सुना। और आशा है कि अगली जो कक्षा होगी 9 तारीख को सुबह 11 बजे उस दिन शायद और भी ज्यादा विद्यार्थी आए और उस दिन हम लोग इसका जो वाक्य संरचना शब्द और पद इनको कवर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. सर अपने कॉल वहां से एंड कर सकते हैं, उस तरफ से आप काट सकते हैं कॉल। हाँ।